हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार इन शॉर्ट यानी कि बहुत ही छोटे रूप में। तो देखिए यहाँ पे हम दो फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा सिमली और दूसरा है हमारा मेटाफर। तो देखिए सिमली को हम उपमा के नाम से जानते हैं और मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार भाषा के आभूषण, यानी कि हर चीज़ को सुंदर दिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट। जैसे कि हम भी ज्वेलरी पहनते हैं या फिर किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए हमें बहुत सारी अलग से चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह से हमें अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सिमली है वो क्या होता है, अ सिमली इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। इन अ सिमली वी यूज द वर्ड्स लाइक और एज। तो देखिए सिमली का मतलब क्या होता है, दो असमान चीज़ों में तुलना की जाती है, यानी कि जो चीज़ें दिखने में हर चीज़ में एकदम से अलग अलग होती हैं बट उनमें तुलना की जाती है, उनको समान दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं लाइक और एज का यूज़ करते हैं। लाइक मीन्स क्या होता है, एक जैसा, यानी कि एक जैसा दिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है हमारा, ओ अ लवली शॉट एज स्मूथ एज सिल्क, यानी कितना मुलायम है सिल्क की तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, तो देखिए सेकेंड है हमारा, अ मेटाफर इज़ एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, वी डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक एंड एज इन अ मेटाफर। तो देखिए मेटाफर में हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते और यहाँ पे भी दो असमान चीज़ों में तुलना होती है। वहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष रूप से तुलना होती है यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन, यहाँ पे क्या हुआ है डायरेक्ट कंपैरिजन, और यहाँ पे क्या है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। यहाँ पे लाइक और एज का यूज़ होता है, यहाँ पे लाइक और एज का यूज़ नहीं होता, ये इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो देखिए आंट एमिली अ फोर्सफुल वुमेन अ लॉयनेस। तो देखिए यहाँ पे लाइक और एज का यूज़ नहीं हुआ है बट यहाँ पे आंट एमिली को किसकी तरह तुलना की गई है, एक शेरनी की तरह, यानी कि आंट एमिली एक सशक्त महिला है एक शेरनी की तरह। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है जो कि मैंने आपको होमवर्क में दी थी बट कुछ ही स्टूडेंट्स ने सॉल्व की थी, मतलब बहुत ही पुअर रेस्पॉन्स मिला था मुझे, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो बाकी आप इसे यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।